हर किसी का सपना होता है, सपना अपने घर का, सपनों के घर का, और इसी सपने को साकार करने के लिए क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माखीजानी आपके लिए लाए हैं इजी हाउसिंग लोन्स। 20 लाख से लेकर 5 करोड़ तक के हाउसिंग लोन्स, क्विक अप्रूवल और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ। तो समय आ चुका है अपने सपनों को साकार करने का, आज ही अप्लाई कीजिए। क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माखीजानी 9011280000। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। ठीक है, आज हमारा 101वां कैंप उल्लासनगर में यहाँ पर पहली बार हो रहा है, लेकिन 101वां कैंप है महाराष्ट्र सरकार और एपिलेप्सी फाउंडेशन का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 2011 से जो हमने चालू किया, उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर कैंप में 5.5 लाख रुपया देती है, जिसमें 3 से 3.5 लाख रुपए उनको 3 महीने की दवा मुफ्त देने के लिए देती है। आपको ये बता दूं कि भारत में 1% मरीज, जिसका मतलब 1.3 मिलियन पेशेंट को मिर्गी की बीमारी है, और मिर्गी एक मस्तिष्क का रोग है, और इस बीमारी के प्रति लोगों में इतनी भ्रांतियां और अंधश्रद्धा है कि फिट आने पर लोग ना तो लोगों को बताते हैं कि हमारे बच्चों को फिट आया है, और दूसरा जब आप देखते हैं कि किसी को फिट आया तो कोई जूता निकालता है, कोई कांधा निकालता है और उसको स्मेल देता है, जबकि ये मस्तिष्क की बीमारी है और मरीज बेहोश होता है। मूर्छित व्यक्ति को अगर आप खाना लगाएं, जूता लगाएं, कुछ भी लगाएं, उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो अपने आप 2 मिनट में होश में आता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रेट मैन नेपोलियन बोनापार्ट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर, मार्टिन लूथर, टॉनी ग्रेक, ऐसे लोगों को मिर्गी की बीमारी हुई है। इसलिए मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि मिर्गी की बीमारी आपके ब्रेन में, मस्तिष्क में वो 2 मिनट जो करंट ज़्यादा होता है उसको छोड़ दें तो आप एकदम नॉर्मल है, घबराए नहीं। 70% मरीज बराबर डॉक्टर का इलाज लेकर एक दवा से ठीक हो सकते हैं, और ये हमने महाराष्ट्र में 78% से ट्रीटमेंट गैप, 28% सिर्फ रेगुलर फॉलोअप और दवा से किया है। तो आप ये बीमारी से घबराए नहीं, बड़े बड़े लोगों को ये बीमारी हुई है, इसका तुरंत इलाज कराएं और जिस किसी को हो उसको छुपाए नहीं और उसको इक्वल दें, यही मेरा कहना है। आज यहाँ पर हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर उल्लासनगर में हमारे डॉक्टर निर्मल सूर्या जी, न्यूरोलॉजिस्ट, एपिलेप्सी उनकी जो संस्था है, उनके माध्यम से पूरे देश में सेवाएं दे रहे 45 लोगों की टीम, 20 डॉक्टर और उनके जो पूरी टीम के स्टाफ हैं, मैं तो देख करके यहाँ पर आज अचरज में आ गया हूँ कि जो जिन लोगों को मिर्गी आती है, जिन लोगों को फेफड़ों की तकलीफ है, जिनको ब्रेन की तकलीफ है, कई लोग यहाँ पर उपचार कर रहे हैं। लोग सेंट्रल हॉस्पिटल को एक अलग दृष्टि से देखते हैं कि सेंट्रल हॉस्पिटल नहीं जाना है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब से डॉक्टर बंसोड़े जी यहाँ पर आए हैं, अलग अलग संस्थाओं को बुलाकर, अलग अलग डॉक्टरों को बुलाकर बहुत सारे उपचार इस हॉस्पिटल के अंदर किए जाते हैं। हमारे आमदार कुमार रानी ने भी उल्लासनगर के सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए, जैसे गरीब लोगों को अच्छे से अच्छी व्यवस्था दी जा सके, ऐसे कार्य किए हैं। लेकिन आज का जो यह कैंप है डॉक्टर निर्मल सूर्या का, ऐसे मैंने भविष्य में इस प्रकार का कैंप नहीं देखा है। उनके जो पेशेंट हैं, जो ब्रेन से पीड़ित हैं, जो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं, जिन्हें मिर्गी आती है, कई बार उनके पास अलग अलग स्थानों पर कैंपों में जाते हैं, 3-3 साल 2-2 साल के जो पेशेंट हैं, आज हम उनसे मिले, वो इतने प्रसन्न थे, इतने खुश थे कि डॉक्टर साहब को दुआएं देंगे, उनकी पूरी टीम को दुआएं देंगे। आज हम लोग, हमारे आमदार कुमार आनंद जी, हमारी टीम यहाँ पर उपस्थित है। सेंट्रल हॉस्पिटल में भी ऐसे कार्य होते हैं, देख करके आज अचरज लग रहा है। मैं डॉक्टर बंसोड़े जी और डॉक्टर निर्मल सूर्या जी को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।